अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज में मौसम जो है बहुत अच्छा है और बच्चों का मेरे जलेबी खाने का मन कर रहा है, तो मैं जलेबी बनाने जा रही हूँ। और जलेबी और फाफड़ा, मेरे बच्चों को तड़क मेहता बहुत ज़्यादा पसंद है, उन्हें उसमें जलेबी फाफड़ा देखते हैं वो लोग, जेठालाल खाता है, तो मेरे बच्चे बोल रहे हैं कि जलेबी फाफड़ा बनाइए, तो आज मैं जलेबी फाफड़ा बना रही हूँ। इसके लिए मैंने एक बोल लिया है, ये मैंने मैदा लिया है एक बोल, और मुझे इसके लिए चाहिए दही। इसमें मैं दही ऐड करूंगी, फाइव स्पून ये मैंने दही ऐड किया है इसमें। इसमें मैं बेकिंग सोडा ऐड करूंगी, ये इसमें मुझे इतना बेकिंग सोडा और डालना है क्योंकि वो थोड़ा सा कम था, तो ये मुझे थोड़ा सा और ऐड करना है। अब इसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दूंगी। इसको हम घोल के इसका एक बैटर बना लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका हमें एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है, बैटर बना लेना है। इसमें हमें वाइट इलायची, ग्रीन इलायची जो होती है वो ऐड करनी है, और ये मेरा बैटर बन गया है। ये देखिए ऐसा होना चाहिए, इसे ये बन गया है बैटर। इसे अब हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे। मैंने जलेबी के बैटर को इस बॉटल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब मैं इसे ऑयल मैंने गरम कर लिया, इस ऑयल में मैं डालूंगी घी गरम किया है मैंने, इसे मैं डाल के जलेबी बनाऊंगी। इसे ऐसे ऐसे हमें तरीके से हमें घुमाकर ये देखिए जलेबियां मेरी हो गई हैं। इसे मैं टर्न कर लूंगी ऐसे। इसे हमें दोनों तरफ से सेक लेना है जब ये बिल्कुल गोल्डन हो जाए, तो फिर हम इसे निकाल लेंगे। देखिए ये हो गई हैं, सिक गई हैं दोनों तरफ से, इसे मैं निकाल ले रही हूँ। अब मैंने ये शुगर सिरप बनाया है, इसे बोलते हैं चाशनी, और इसमें ऐसे डिप कर लेंगे हम इसे ऐसे, और इसे हम थोड़ी देर डिप करेंगे। अब मैं बना रही हूँ फाफड़ा। इसके लिए मैंने एक बोल बेसन लिया है, इसमें मैं आप मिर्च पाउडर ऐड करूंगी, इसमें मैंने रेड चिल्ली पाउडर ऐड किया है, और हल्दी ऐड की है मैंने इसमें, और सॉल्ट इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसमें हमें अजवाइन ऐड करनी है, ये मैंने ऐसे क्रश करके इसे अजवाइन को ऐड किया है इसमें, ये भी एक स्पून भरकर है। बेकिंग पाउडर मुझे इसमें ऐड करना है। अब हमें इसमें ऑयल डालना है, ये भी मुझे 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल डालना है। फिर इसे अच्छी तरीके से हमें ऐसे मैश कर लेना है, ये मिला लेना है बिल्कुल ऐसे। देखिए अब इसमें पानी डालते हुए मुझे इसका एक आटा गूंद लेना है। इस तरीके से घूम के हमें इसका एक डो बना लेना है, हार्ड सा डो, थोड़ा थोड़ा हार्ड थोड़ा सॉफ्ट, मतलब ये मीडियम सा होना चाहिए इसको।
ना ज़्यादा हार्ड और ना ज़्यादा सॉफ्ट, ऐसा ये डो बन जाएगा हमारा। इसे अब हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे 10 मिनट्स के लिए। ये जो हमने आटा गूंदा था उसका समय रेस्ट कर लिया था। अब इसके हमें ऐसे ऐसे पेड़े बना लेने हैं। इस तरीके से हमें इसके पेड़े बना लेने हैं सारे। ये इस तरीके से पेड़े बना लेने हैं इसके, कि हमने सारे पेड़े बना लिए। इसे अब हमें इस तरीके से रखना है और ये हमारे हथेली की इस मदद से हमें इसे ऐसे करके इसे आगे हम पुश करना है। हथेली से ऐसे करके हमें इसे आगे की तरफ इसे ऐसे करके हमें पुश करना है। ये ऐसा बन जाएगा। अब इसे हम ऐसे करके नहीं छुड़ा सकते हैं, बहुत मुश्किल होगा, इसलिए मैं आपको बताती हूँ मैं इसे कैसे छुड़ाना है। कि एक नाइफ लेंगे हम, इस नाइफ से हमें ऐसे फ्लैट नाइफ रख के ऐसे ये हमें निकाल लेना है। ये हमारा फाफड़ा बिल्कुल बनकर तैयार है। इसी तरीके से हम दूसरा रखेंगे और अपनी हथेली से हम इसे ऐसे आगे की तरफ को हमें इसे पुश करना है। ये देखिए ऐसे बना, इसे हम फिर ऐसे निकाल लेंगे। इसे ट्रेडिशनली बेला नहीं जाता है, ये ऐसे ही हथेली से ही बनाया जाता है। ऐसे ही हम सारे बना के रख लेंगे, फिर हम इसे फ्राई कर लेंगे। मैं आपको एक और दिखाती हूँ। ऐसे ये लिया और ये ऐसे आगे की तरफ को इसे हमें ऐसे करा, ये आगे की तरफ को हमें इसे पुश करना है। ये बन गया। इसे हम ऐसे फ्लैट नाइफ से आराम से निकाल लेंगे और ये हमारा बनकर तैयार है। इसी तरीके के हम सारे बना लेंगे। देखिए सारे फाफड़ा मेरे बनकर तैयार है। अब इसमें फ्राई करूँगी। मैंने ये ऑयल गरम कर लिया है, ऑयल को खूब अच्छी तरीके से हमें गरम कर लेना है। अब इसमें हम फाफड़ा को फ्राई करेंगे। इसे ऐसे करना है और इसे हमें ऑयल में डाल देना है ऐसे करके। ये फाफड़ा लिया और इसे ऐसे करके ऑयल में डाल दिया। इसे हमें मीडियम टू लो फ्लेम में ही बनाना है। ये हमारे एक तरफ से सिक गए हैं। अब इसे हमें ऐसे टर्न कर लेना है, दोनों फाफड़ों को ऐसे करके हमें टर्न करना है। इसे ज़्यादा हमें रेड करके नहीं सेकना है, बस हल्का सा ही से हमें सेकना है। ये देखिए हमारे फाफड़े बनकर तैयार हैं। इसे अब हम प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये बन गए मेरे फाफड़े। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।